वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत पुराण। पिछली कथा में हमने छठा स्कंद सुना, जिसमें हमने अजामिल की कथा सुनी, हमने सत्संग का महत्व सुना, हमने सुना कि इस समय अंत समय में मेरे प्रभु का नाम लेने से जीवन के सारे दुख कट जाते हैं और यमपुरी में जाने से बचत हो जाती है। तो अब चलते हैं सप्तम स्कंद की ओर, जहाँ पर पक्षी जी सुखदेव जी से कुछ और प्रश्न करने वाले हैं। तो हम भी चलते हैं और सुनते हैं कि आज पक्षी जी सुखदेव जी से क्या प्रश्न करेंगे। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। बोल श्री गोपाल कृष्ण की जय। तुलसी मैया की जय। तो आज पक्षी जी ने एक प्रश्न आचार्य सुखदेव जी से किया कि समयम प्रियम सुहद्यम ब्राह्मणम भूतानम भगवानम स्वयं इंद्रस्याथे कथम दैत्यानवधीदम विष्मो यथा। परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो। मैं तो जिज्ञासावश एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरे मन में आया है, तो यदि आप उत्तर देंगे तो अच्छी बात। राजा ने शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो प्रश्न कर रहा हूं। तो राजा ने पूछा कि परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले देवता भी उनके पुत्र हैं और राक्षस भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनके पुत्र हैं और भक्त भी उनके पुत्र हैं। तो जो पिता होता है वो तो समान दृष्टि से देखते हैं सबको, लेकिन भगवान राक्षसों को मारते हैं और भक्तों को बचाते हैं। यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या उनका भेदभाव नहीं है? क्या ये भगवान की दृष्टि है अच्छी है? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं है? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सब देवता अच्छे ही होते हैं? क्या उनसे कभी कोई गुनाह नहीं होता? वो भी तो गलत हो सकते हैं। आचार्य सुखदेव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, राजन भगवान कभी किसी को मारते नहीं, तो गोविंद कभी किसी को बचाते भी नहीं। ये सब काम हम ही करते हैं, मारना और बचाना ये काम भगवान का नहीं है। उनका दृष्टि तो वास्तव में सम है, वो तो सबको बराबर समझते हैं। उनकी आंखों के सामने नहीं आता, वो पार नहीं होता, इतना जरूर है। अपनी आंखों के सामने आने वाले को मेरे गोविंद बहने नहीं देते। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि परमात्मा का चिंतन करो, सामने जाने का अर्थ है परमात्मा का चिंतन करना। जिसने जितना ज़रा चिंतन किया उतना ही प्रभु के सामने चला जाएगा, और चिंतन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है। परमात्मा को याद करने की पद्धति भिन्न होगी तो मुक्ति का मार्ग भी भिन्न ही होगा। कोई उसको लड़कर याद करेगा, कोई उसको अड़कर याद करेगा, कोई उसको प्रेम से याद करेगा, कोई उसे गुस्से से याद करेगा। लेकिन याद जिसने परमात्मा को किया उसे मोक्ष तो जरूर मिलेगा। जिसने प्रेम से याद किया उसे प्रेम मिलेगा, जिसने गुस्से से याद किया नेचुरली उसे भगवान पे गुस्सा मिलेगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, मुझे एक बात याद आ गई, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में यह प्रश्न हुआ कि पहले पूजा किसकी की जाए। तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव ने कहा पहले पूजा के अधिकारी तो कृष्ण है। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, शिशुपाल ने कहा इस ग्वारिये की क्या पूजा करनी, जिसके पिता का पता नहीं, माँ का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं। ये तो ग्वारिया चार दिन पहले गऊ चराता था, द्वारिका का राजा बन गया, तो इसकी प्रथम पूजा भगवान को गाली देने लगा। प्रक्षित तुम्हारे बाबा विष्णु और अर्जुन के सामने उनके प्राण बल्लभ कृष्ण को कोई गाली देवे, क्या पांडव इस बर्दाश्त कर सकते हैं? पांडवों के सर सब तो गोविंद हैं। अर्जुन ने उठकर गांडीव हाथ में ले लिया और बोला मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा शिशुपाल को। और गोविंद ने कहा नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता। 101 गाली जब हो गई तो प्रभु के दिव्य दर्शन चक्र ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि भगवान ने शिशुपाल को मार दिया, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ प्रक्षित जब शिशुपाल के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और वो प्राणों की ज्योति 7 बार आकाश में भ्रमण करके प्रभु के शरीर में विलीन हो गई। इसे हमारे शास्त्रों में सायुज मुक्ति कहते हैं। आप ध्यान दें, सायुज मुक्ति से ऊंची और कोई मुक्ति नहीं होती। और मूर्ति इसका अर्थ पता क्या, परमात्मा में विलीन हो जाना। और वो मुक्ति शिशुपाल को मिली है, हर किसी को नहीं मिलती।
तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के आसन के बगल में बैठे थे संत नारद। बाबा ने नारद जी से प्रश्न किया, महाराज गिन गिन कर मेरे गोविंद को गाली देने वाला शिशुपाल जैसे 99 गाली गोविंद के दिए बिना पानी भी अच्छा नहीं लगता था, 99 गाली तो अकारण ही कृष्ण को रोज देने की उसकी आदत बन गई थी। आज ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मुक्ति मिल गई, मेरे गोविंद के शरीर में समा गया, इस पापी को तो नरक में करोड़ों वर्ष तक सड़ना चाहिए था। नारद जी ने जो बात कही प्रेक्षित वो तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने कहा, माना शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय कृष्ण का चिंतन तो करता था, ध्यान किस में था उसका? पूरा पूरा कृष्ण में। गाली देते समय भी उसकी आंखों के सामने कौन था? कृष्ण था। कृष्ण की झांकी घूमती थी। कैसे भी कृष्ण को याद करो, काम से, भय से, द्वेष से, स्नेह से, गोपियों ने कृष्ण की उपासना की काम से। यद्यपि उनका काम हमारे काम जैसा नहीं था, गोपियों के प्रेम को ही हमने काम की संज्ञा दी है। शिशुपाल ने कृष्ण को द्वेष से भजा, कंस ने कृष्ण को भय से भजा। भजन करने की पद्धति भिन्न है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन कृष्ण की याद, कृष्ण का भजन किसने जिसने ज्यादा किया, यहाँ अंतर पड़ता है। कोई उनको मित्र बनाकर भजता है, कोई स्वामी बनाकर भजता है, कोई सखा बनाकर भजता है, और कोई उनको शत्रु मानकर भजता है। लेकिन प्रेक्षित, भगवान को प्रेमी मानकर, पति मानकर, स्वामी मानकर तो भजन सभी करते हैं, लेकिन शत्रु मानकर भजन करना सबके वश की बात नहीं। शत्रु मानकर तो वही बजेगा जिसकी बाजुओं में ताकत होगी, लेकिन मैं कहता हूँ भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं उससे कहीं ज्यादा राक्षस लोग करते हैं। प्रेक्षित, भक्त लोग भगवान की कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन राक्षस कभी नहीं भूलते। प्रसंगवश एक बात है, वैकुंठनाथ मंदिर जा रहा था दर्शन करने, आपने कहा ठाकुर जी वहाँ मेरे मित्र रहते हैं, उनसे कहिएगा कि मुझसे आकर मिले। मैंने अपने मित्र से कहा, आपके मित्र ने आपको याद किया है, आपको बुलाया है। मित्र ने कहा, अब कैसे जाएं, वर्षा हो रही है, पानी चारों रास्ते भरा हुआ है। कोई बात नहीं, मित्र नहीं भागा, थोड़ी जा रहा है, कल परसों तक मिल लेंगे। कहने का भाव है, मित्र मित्र को भूल जाता है, सेवक स्वामी को भूल जाता है, लेकिन बीच चौराहे जिसने मेरा अपमान कर दिया, उस शत्रु को मैं रात में स्वप्न में भी नहीं भूलता। सवेरे उठते ही उसका चिंतन, यानी अपने को चैन नहीं मिलता। तो मित्र को याद ज्यादा हुई जो शत्रु की। शिशुपाल है, दंत वक्र है, कंस है, रावण है, कुंभकर्ण है, सब जो परमात्मा से शत्रुता करते हैं, इससे वो भक्तों से भी ज्यादा परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए शिशुपाल को वो मुक्ति मिली जो कभी कभी भक्तों को भी नहीं मिलती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा, आप ये ना समझना कि शिशुपाल को श्री कृष्ण से मित्रता शत्रुता इसी जन्म की है, एक नहीं तीन जन्मों की शत्रुता है कृष्ण से। पहले ये हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद का भाना बनाकर इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार शिशुपाल रावण बना, माता जानकी जी के बहाने राघवेंद्र से वैर किया। तीसरी बार शिशुपाल बनकर मुक्ति ली। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण कैसे द्वेष किया? परीक्षित जी बोले, मैं भी ये प्रसंग सुनूंगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन कल मैंने कथा कही तो आपने भी सुनी थी, हिरण्यकश्यप की। हिरण्याक्ष था जिसे वरा रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था नारायण ने। अपने भाई की मृत्यु हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा भारी विद्वेष हुआ और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर मानोगा नारायण मुझे कहीं मिल जाए, तो मन में ठान ली हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था क्यादु। क्यादु के तीन पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं था। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, पत्नी से कहकर गया था कि वर्षों में लौटूंगा। तपस्या में ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान मांगे, वर प्राप्त कर घर लौट कर आया तो पता चला कि पीछे से इंद्र ने उसके तीनों पुत्र मार दिए। इसीलिए उनके मन में देवताओं के प्रति अब गुस्सा है, भगवान के प्रति बड़ा विद्वेष है। लेकिन प्रहलाद के जीवन में क्या कहीं, गोविंद से मिलने की लगन जैसे लग जाए उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, परमात्मा से मिलने की तड़प ही नाम भक्ति है। प्रभु कैसे मिलेंगे, प्रभु कैसे मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे, इसी का नाम भक्ति है। मेरे जैसा यशस्वी, मेरे जैसा तेजस्वी, मेरे जैसा तपस्वी प्रहलाद बने। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया, परंतु प्रहलाद का जीवन तो शांत गुरुकुल के चारे हैं, शंड और अमक
शुक्राचार्य के पुत्र और प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता। शांत बैठा बैठा प्रभु चिंतन करता रहता है। प्रहलाद की मनस्थिति, कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाता है, कभी रोते रोते कभी जोर जोर से हंसने लग जाता है। परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते, प्रहलाद रोता तो इसलिए, कब मिलोगे गोविंद? जीवन ऐसे ही निकल जाएगा हंसता, इसलिए कितनी बड़ी कृपा की मुझे मानव शरीर दिया, मुझे मनुष्य जन्म मिला, ये तुम्हारी बड़ी कृपा है। गुरुकुल से प्रहलाद आज राजसभा में गुरु के साथ आया और हिरण्यकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को अपने गोदी में ले लिया। प्यास से पूछा, बेटा तुम गुरुकुल में पढ़ने गए थे, गुरु जी ने जो पाठ पढ़ाया वो हमें नहीं सुनाओगे? तो प्रहलाद जी ने वो सुंदर उपदेश दिया, पिताजी मैंने अनुभव किया है कि संसार में हम जहां भी जाएं सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहाँ? सुख कहीं नहीं मिलता, सुख तो केवल गोविंद का नाम है। आत्म के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है, उसे घर छोड़कर वन में चले जाना चाहिए, वहां जाकर प्रभु के चरणों में प्रेम करें, नारायण की आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप तो क्रोधित हो गया कि मैंने तो कोई और ही सिलेबस बोला था पढ़ाने के लिए, ये तो कुछ और ही पढ़ रहा है। उसने शंडा मकर को रहाना देकर कहा कि बेटा बेटा नारायण का नाम लेता है, ये कैसा उपदेश दिया तूने, ये कैसी शिक्षा दी है, मेरा पुत्र मुझे नारायण के भजन की प्रेरणा देता है, आज के बाद इसके मुंह से नारायण का नाम नहीं सुनना। गुरु जी को फटकार लगाई, क्या पढ़ा दिया ये मेरे बच्चे को, मैं नारायण का दुश्मन और ये नारायण नारायण करता। प्रहलाद जी को नियंत्रण करके पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद जी की हृदय तो गोविंद से जुड़ गया, वो तो भक्ति रंग में रंगे हुए हैं। एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाए फिर टूटते थोड़ी है। तो कृष्ण का विशिष्ट हो गया पकड़ता है, ऐसा पकड़ता है कि फिर छोड़ता कभी नहीं, एक बार इसकी शरण में जो आ जाए उसे छोड़ना जानता ही नहीं है गोविंद। परमात्मा से संबंध जुड़ गया प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप ने आज फिर प्रहलाद को अंक में भरकर बड़े स्नेह से पूछा, बेटा जो सुंदर शिक्षा तुमने पाई वो मुझे सुनाओ। अब प्रहलाद जी की वही पहले वाली बातें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अचरणम वंदनम दास्यम सख्यामातिम निवेदनम। पिताजी मैंने तो यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। हमें नवधा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवण, गोविंद की कथा का श्रवण करो, श्रवण ऐसा करना कि हृदय में उतर जाए। दूसरा लक्षण कीर्तन, जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करें। कीर्तन में बड़ी ताकत है, हिंसक पशु को भी हिंसात्मक भावना में कीर्तन से बदल देता है। चैतन्य देव जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे, सैकड़ों संत उनके साथ कीर्तन कर रहे हैं, रास्ते में जंगल में शेर चीता वालों संत को खाने दौड़े, लेकिन चैतन्य देव के मुंह से कीर्तन के स्वर लहरी को सुनकर सब जंतु नाचने लगे। तीसरी भक्ति स्मरणम, हर परिस्थिति में स्मरण गोविंद का करें। घर में हम भोजन बना रहे हैं, करछी में दाल हिला रहे हैं, दाल हिलाते हुए स्मरण करें। गोपियों के पास और क्या था, एक गोपी सर पर मटकी रखकर माखन बेचने जा रही थी मथुरा में। मथुरा की गलियों में माखन बेचते समय गोपी को गोविंद की याद आ गई, कोई माखन ले वो, कोई देही दे वो, बहुत मीठो है बहुत सुंदर है, कोई माखन ले वो गोविंद ले वो, कोई कन्हैया ले वो, बहुत सुंदर है बहुत मीठो है, ऐसा बोल गई। उसे ध्यान आया तो बोली, मैं माखन बेच रही हूँ कि कन्हैया को बेच रही हूँ, प्रत्येक अवस्था में उसी की याद बनी हुई है। विष्णु स्मरण, एकांत में बैठकर उनका याद से सेवन करना, उनकी अर्चना करना, उनके चरणों की वंदना करना, ये पांचवी, छठी तथा सातवीं भक्ति। नवदा भक्ति में 6 के बाद सातवीं, आठवीं और नौवीं, ये तीनों भक्तियों में सर्वोत्तम भक्ति है। सातवीं भक्ति है दास्य नारायण का, दास बन जाए। पिताजी जीव जब गोविंद का दास बनता है ना, तो उसके चरणों में लेट जाता है तो गोविंद उसे उठाकर गले से लगाते हैं। ये सखे भक्ति होती है। अंतिम भक्ति है आत्म निवेदनम, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो। तेरा तुझको समर्पण। प्रहलाद जी को इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ, प्रहलाद को मारने का बड़ा प्रयास किया, जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे डाला, झील में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने के ये सब उपाय विफल हो गए। आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेजा गया कि चलो शायद सुधर जाए, फिर कुछ नमा सीख के आए। हजारों असुरों ने बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा, तुम हमारे मित्रों, दंड तुम्हें मिलता है, कष्ट हमें होता है, अग्नि में जलाया तुम्हें जाता है, किंतु जलन हमें होती है, भूखे तुम्हें रखा जाता, तड़पण हमें होती है। मित्र तुमसे निवेदन है हमारा,
तुम इतने हटी क्यों हो, इतने दुराग्रह क्यों, कीर्तन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद गदगद होकर बोले, मित्र आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ, लेकिन कुमार अवस्था से जिसने कृष्ण कीर्तन नहीं किया, बचपन से ही जिसने भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, बुढ़ापे में वो कभी नहीं कर सकता। मिट्टी के कच्चे घड़े पर जैसे रेखा आप बना देंगे, पकने के बाद भी वो मिट नहीं सकती। गोविंद की इतनी बड़ी कृपा है कि हमें मानव शरीर मिला है, इसे व्यर्थ न जाने दें। बच्चों ने कहा, क्या जपना तुम्हारे नारायण के नाम को सेवा करती है, धर्म पत्नी सुरक्षा करते हैं, पिताजी दूध घी मिलता है, हमें गाय भैंस से प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है हमें संबंधियों से, फिर तुम भगवान के बीच में क्यों लाते हो, भगवान क्या होते हैं। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो ना, वो धन साथ में नहीं जाएगा, पत्नी साथ नहीं जाएगी, परिवार के लोग सब द्वार पर खड़े रह जाते हैं, मित्र शमशान भूमि तक ही साथ जाते हैं, चार बड़ाई करते जाते हैं, चार बुराई करते जाते हैं। तो आज की कथा में हमने सुना कि प्रहलाद जी अपने सहपाठियों को क्या बता रहे हैं कि भगवान का नाम ही साथ में जाएगा और कुछ भी साथ में नहीं जाता, नाते रिश्तेदार सब शमशान तक ही जाते हैं और हमें छोड़कर आ जाते हैं, इसलिए प्रभु का नाम भजना चाहिए, प्रभु का कीर्तन करना चाहिए। तो हम भी आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए आपसे सत्संग करने का अनुरोध करेंगे। ठाकुर जी का नाम लीजिए, जपिए, और यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।